हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेकेंड हिंदी प्रवेशिका। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी प्रवेशिका। आर यू फाइन स्टूडेंट्स? आई होप वी विल ऑफ फाइन। आप घर पे होंगे तो स्टूडेंट्स फाइन होंगे। आई एम उषा टीचर। टुडे स्टार्ट स्टूडेंट्स पेज नंबर 37। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 37। चित्र पहचान कर कोष्टक भरना है, तो आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो आप लोग क्या करना है बच्चों, आइडेंटिफाई द पिक्चर, आप लोग चित्र को देख कर ही कोष्टक को कंप्लीट करना है। देख सकते हो आप लोग, ये क्या है करेला, और ये क्या है कनेर, और ये क्या है स्टूडेंट्स मेज, और ये है जलेबी, और ये है स्टूडेंट्स मेला, और ये है केला। ओके, तो आपको देखना क रे ला, ये हो गया हमारा करेला। ठीक है, अब इसे करना कनेर, अब इसे करेंगे स्टूडेंट्स मेज, ये है जलेबी, ये है स्टूडेंट्स हमारा मेला। ओके, ये है हमारा खेलना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चित्र पहचान के कोष्टक मैंने कंप्लीट कर दिया। आप करेंगे छुटा हुआ अक्षर लिखना, राइट द मिसिंग लेटर्स कंप्लीट। ओके, एक ठठेरा, लेखक मेढक, एकांत जेब पेड़ सपेरा दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मिसिंग लेटर आपको लोग को लिखना है, देखिए यहाँ पर ये क्या है एक, ठीक है, फिर करना है आप लोग को ठठेरा, फिर है स्टूडेंट्स लेखक, फिर है मैढ़क। ठीक है बच्चों, फिर आपको करना है एकांत। ओके, फिर है ये है जेब पेड़, फिर है सपेरा, फिर कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ओके, आपको ये ब्रैकेट में दिएगा आंसर, इसमें से चूज करके फिर ब्लैंक्स कंप्लीट करें। देखिए आप लोग, कड़वा होता है क्वेश्चन, तो कड़वा क्या होता है, तो कड़वा क्या होता है, कड़वा करेला होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दिया गया है रमेश, रमेश को क्या खाने के लिए कहा गया है, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, दिया गया है रमेश जलेबी खा, रमेश को जलेबी खाने के लिए कहा गया। उसके बाद बर्तन बनाता है, बर्तन कौन बनाता है स्टूडेंट्स, तो बर्तन बनाता है ठठेरा। ठीक है, उसके बाद खाली जगह दो पहियों पर चलता है, तो क्या चलता है बच्चों ठेला। तो स्टूडेंट्स कोष्टक से शब्द चुनकर हमने खाली जगह कंप्लीट कर दी है। अब स्टार्ट करेंगे वाक्यों को पढ़ना है और लिखना। रीड द सेंटेंस एंड राइट। महेश कनेर का फूल लाया, पेड़ पर चिड़िया है, मेले में मिठाई बिकती है, माला शीला की सहेली है। ओके स्टूडेंट, तो महेश आपको क्या करना है, महेश कनेर का फूल लाया, ठीक है बच्चों, तो महेश कनेर का फूल लाया, तो आप लोग क्या करना स्टूडेंट्स, पेड़ पर चिड़िया है, मेले में मिठाई बिकती है, माला शीला की सहेली। स्टूडेंट्स आप लोग को ये होमवर्क करना है आपकी वर्क बुक में एंड नोट बुक में। नाउ वी नेक्स्ट पे टर्न करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ो और रंग भरो, तो आपको पढ़ना है और रंग भरना है आई में। ओके, अभी तक हमने ए पढ़ा भी है आई, ठीक है ए आई, आई से आईना। ओके, आई से आईनक होता, आई से जो कहते हैं ऐरावत है, इंग्लिश में कहते हैं उसको एलिफेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको करना है पढ़ना है लिखना है, किसमें का पढ़ना है बच्चों, आपको ये आई, ठीक है ना, आई पढ़ना है और आई लिखना है। स्टूडेंट्स मैं ये दो वर्ड ऐसा आपको सिर्फ ये आपको कंप्लीट करूँगी, बाकी का आप लोग को खुद लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये मैं ये लर्न बाय हार्ड करा देती हूँ बच्चों, आप लोग को खुद आपकी इस वर्ड बुक में कंप्लीट कर। देखो, क पे आई की मात्रा लगी तो कई हो गया, ख पे आई की मात्रा लगी तो खई, ग पे लग गया तो गई, घ पे लगा तो घई, च पे लग गया तो स्टूडेंट चई, छ पे लग गया तो छई, ज पे लग गया तो जई, एंड झ पे लग गया तो स्टूडेंट तो झई, ट पे लग गया तो टई, ठ पे ठई, और ड पे डई, ढ पे ढई, प पे यानी अण पे अणई, त पे तई, थ पे थई, द पे दई, ध पे धई, न पे नई, प पे पेई, फपे फे, इसने तो फप्पा फे पी फे 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 फई। ओके, बपे बे, भसे भे, मसे मे, यसे ये,
रसे रे लसे ले वसे वे ससे से शसे स्रे शसे से हसे हे छसे छे गैसे गे त्रसे त्रे स्रसे श्रे। ओके तो आपको स्टूडेंट्स आप लोग को क्या करना है ये भी मैं आप लोगों को आपकी नोटबुक्स में और वर्कबुक में लिखने कहूँगी। ओके बच्चों नाउ वी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। पढ़ो सीखो लिखो के स्टूडेंट रीड लर्न एंड ब्राइट। ओके आपको पढ़ना है लिखना है और सीखना है ठीक है। जैसे दिया गया है मैया भैया नैया एंड गैया, फिर क्या है शेर खेर तैरना रवैया। ओके सेन शेर खैर तैरना ठीक है बच्चों। अब आप लोग को क्या करना है यहाँ पे लिखना है मैया, तो आप लोग ये खुद ट्रेस कर देना क्वेश्चंस मैया भैया नैया शेर खैर ठीक है बच्चों। अब ये क्या है तैरना ठीक है, इस पर दो मात्रा लगी है। इसके बाद स्टूडेंट्स रवैया रवैया ठीक है बच्चों। उसके बाद ये है गैया ठीक है बच्चों। पढ़ना लिखना और सीखना है तो आप लोगों को दूसरी लाइन को कम्प्लीट करनी और ये जो है वन लाइन ट्रेस आपको खुद करना है ठीक है। फिर ऐसे शुरू होने वाले शब्दों को टिक करना है तो टिक द वर्ड ए विच द बिगिन ए। ओके आई से ओके आई से पैसा देखो दिया गया आई दिया यहाँ पर पैसा एरावत ऐनक भैया एक के एंड खेर। ओके तो आई से आपको क्या करना बच्चों एरात बताए यहाँ पर ऐनक ठीक है फिर एक के तो ऐसे शुरू वाले शब्दों को हमने जोड़ दिया बच्चों टिक कर दिया। अब एक को तीर की दिशा में शब्द बनाने से हम करते हैं बच्चों डायरेक्शन में उसको कंप्लीट करना है। ऐसे ऐनक दिया गया है अब ऐसे ऐरावत फिर ऐसे ऐसा इसके बाद है एक के फिर है स्टूडेंट्स ऐलान फिर है ऐश्वर्य। ओके तो एक वो तीर की दिशा बता के मैंने कंप्लीट करा दिया। अब चित्र पहचान कर उसका नाम लिखना। ओके आइडेंटिफाई द पिक्चर द राइट द नेम्स। ओके स्टूडेंट्स तो सैनिक पैसा दैनिक और बैल आपको दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखना है। ये क्या है बच्चों ये है दैनिक ये है हमारा दैनिक ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स सैनिक सैनिक और ये है बैल। ओके ये क्या है पैसा ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को पेज नंबर 39 तक आपकी हिंदी की वर्क बुक में कंप्लीट करा दी है। आप लोग को इस तरह से करना है आपकी सी डब्ल्यू डब्ल्यू को कंप्लीट करना है। ये देखो एर को एक आई को तीर की दिशा में शब्द बनाकर लिखना आई लिख उसके जो बने हैं बच्चों नाम लिख देना है। फिर चित्र पहचान कर उसका नाम ये लिखना है। फिर ए से शुरू होने वाले शब्दों को टिक करना आपको ए लिख फिर यहाँ पर टिक कर करके इन आई मीन ये जो नाम से है ना शुरू होने वाले शब्दों को लिखना है ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद लिखना है आपको पढ़ना सीखना और लिखना है तो रीड लर्न एंड राइट आपको आई से शुरू होने वाले लिखना है शब्दों से ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये आप लोग ये क्या करना है आपको आपकी वर्क बुक में कई से लेकर श्रेष्ठ स से श्रेष्ठ तक आप लोग को कंप्लीट करना है आपकी वर्क बुक में। ओके स्टूडेंट्स आप लोग को इतना कंप्लीट करना है। अब मैंने आप लोग को क आई मीन क से लेकर आई तक आप लोग को क से आई तक वर्ण तक मैंने कंप्लीट करा दिया आप लोग को आपकी सी डब्ल्यू नोटबुक्स में एंड आपको आपकी वर्क बुक्स में कंप्लीट करना होगा स्टूडेंट्स। और आगे का मैं आप लोग को लर्न बाय हार्ट कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।